हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पबजी का 1.0 अपडेट जो आया है, या 1.0 कह सकते हैं। वो अपडेट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ऐसे तो बता दूँ कि ये गेम बहुत स्मूथ हो गया है। जिन लोगों का एनिमेशंस भी बहुत सारा ऐड हुआ है, और जिन लोगों का ऐसा फ़ोन है जो कि मतलब क्या कह सकते हैं, पुराना है या फिर ओल्ड है, 2 3 4 4 GB रैम वाले या 3 GB रैम, उन लोगों को बहुत स्मूथ कर दिया गया है इस गेम को उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो इसका सेटिंग्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ग्राफिक्स जो रखा है, ग्राफिक्स पहले तो आप ये देखिए, मैं स्लाइड अगर करूँगा तो क्या ही मस्त एनिमेशन बनेगा। एक इधर ये हमारा लॉबी जिसके अंदर आप सब कुछ दिखा सकते हैं जो आपके पास है, COD का कॉपी है ये। और इधर आप शॉप पे जा सकते हैं, बीच में आपका मेन पेज है। अब आप सेटिंग्स में जाएँ तो ग्राफिक्स आया है, और ये सब जो पहले से था वही है। और अगर आप अब शिट मेरी ऑफ था, टैप पे कर देता हूँ। हाँ, अब आप ग्राफिक्स पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं अल्ट्रा एचडी आ चुका है। पता नहीं UHD का क्या मतलब होता है, अल्ट्रा एचडी तो ये भी होता है। अब स्मूथ पे जो मेरा फ़ोन है वो 90 FPS सपोर्ट करता है, वो पहले से कर रहा था, और अल्ट्रा एचडी पे अल्ट्रा से भाई यही सबसे खराब है भाई, एटलीस्ट एक्सट्रीम देना चाहिए था। तो अल्ट्रा एचडी पे आप देख सकते हैं ग्राफिक्स का कितना स्मूथ और अल्ट्रा एचडी पे कितना डिफरेंस पड़ता है, और फ्रेम रेट अल्ट्रा पे ही रहेगा। देख सकते हैं भाई कपड़े की चमक आ रही है बहुत ज़्यादा ही। बट अगर आप स्मूथ पे मैं दिखाऊँ 90 FPS पे और मैं रोल करके देखो तो भाई क्या ही स्मूथ हो रहा है भाई। और फिर अगर हम जाते हैं वापस UHD पे, अबे कौन भेज रहा है, हट भाई। और अगर हम लोग UHD पे जाएंगे तो कुछ फ्रेम रेट्स ड्रॉप करते हुए नज़र आते हैं बीच बीच में, बट हाँ अब कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और कुछ खास तो कुछ चेंजेस आया नहीं है। ऑडियो UHD तो पहले से था, मतलब सॉरी HD ऑडियो था, हाई डेफिनेशन। तो चलिए आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ थोड़ा और अच्छा। अरे ये क्या बोल गया, ये तो मेरे ख्याल से आ चुका था पहले से ही, बट इसके एनिमेशंस में थोड़ा डिफरेंस लाया गया है जो कि बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा स्मूथ एनिमेशन कर दिया गया है। और हम आपको दिखाते हैं कि लोड आउट कैसा लग रहा है। लोड आउट भाई मिथिक, मतलब सब कुछ का भाई आइकन्स चेंज कर दिया गया भाई, मैथिक लेजेंडरी रेयर सब कुछ का। और भाई साइड से जो अपीयरेंस है ना भाई, ऊपर और लेफ्ट की तरफ जो जाती है, सॉरी राइट की तरफ जो जाती है भाई, कमाल है भाई। इस बार अपडेट सही में बहुत अच्छा है, बोथ एंड्रॉयड और उसके लिए iOS के लिए। और चेयर पार्क आपको मैं दिखाना चाहूँगा कैसा है। चलिए चेयर पार्क में चलते हैं। कि आप देख सकते भाई, सबसे पहले तो क्लाउड्स पे नज़र डालिए एक बार। क्लाउड्स भाई क्या ही क्लाउड्स भाई, सही चेंज है भाई। और ये जो अरीना उस समय जो मे बी आपने किसी यूट्यूब पे वीडियो में देखा होगा, ये इसमें आप जो अरीना देख रहे हैं वो चेंजेस है। और इसका मेन चेंज जो आपको दिखाऊंगा वो वाटर है, वाटर मैं दिखाऊंगा। मैं देख रहा था एक बार ऊपर से आके कि क्या क्या कुछ है क्या। हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं इसको, ये अरीना टाइप है, यह अनाउंसमेंट हो रहा है। वाओ, इन्होंने लगा ऐसे दंगल का कॉपी करके कुछ बनाया। हाँ यहाँ आप देख सकते हैं, आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्टेस्ट पर क्लिक किया जाए तो आपको बंदे चाहिए सबसे पहले। हाँ ओ भाई विनर विनर चिकन डिनर भाई, क्या ही सही है भाई। और आप मिरर पे साइन देख सकते हैं भाई, मिरर पे साइन देख सकते, सनरेज जो पड़ रहे थे साइन, दो बंदे नीचे लड़ भी रहे हैं भाई। हर जगह विनर विनर चिकन डिनर का टैग लगा हुआ है। और यहाँ कुछ हेलोवीन, हेलोवीन आने वाली है ना, इसीलिए ये रखा हुआ है। और ये जो है ये एक्सेसिबल नहीं है अभी, ये एक्सेसिबल नहीं है मेरे ख्याल से, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर एक्सेसिबल होती तो बंदे यहाँ होते, यहाँ कोई नहीं है। ट्रेनिंग ग्राउंड, एक बार मैं थोड़ा सा इसको नीचे कंट्रोल्स पे जाके उसको थोड़ा नीचे करता हूँ गन्स को। हाँ अब ठीक है, तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट फिर भी। हाँ ये अभी नहीं खुलेगा, ये पार्टी नाइट के दिन खुलेगा,
ये मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ये है इन्फेक्शन मोड। इन्फेक्शन मोड का ऐसे ही था कुछ, कुछ हद तक ऐसा था, एकदम ऐसा नहीं था, कुछ हद तक ऐसा ही था। खैर जो भी होगा बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें भी। और हाँ, जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे इस वक्त पबजी तो बैन है, तो भाई तूने इंस्टॉल कैसे की? उसका बहुत सिंपल तरीका है गाइस, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर भी। एक वीडियो मैं बनाऊंगा, मैं आप लोगों को भेजूंगा, मतलब यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, आप लोगों से ज़रूर चेक करिएगा, 100% है कि आपका पबजी इंस्टॉल हो जाएगा। और ऐसे एक शॉर्ट तरीका है जो बाकी लोग बता रहे हैं, वो मैं बता ही देता हूँ कि आप कोई भी बाहर से साइट से, मतलब क्रोम खोल के कोई भी किसी भी साइट से आप डाउनलोड कर लीजिए पबजी का APK। पबजी का APK डाउनलोड करने के बाद अगर आप खोलेगा तो वहाँ अपने आप रिसोर्स डाउनलोड होने लगेगा। और एक बात याद रखना है कि वहाँ दो टाइप का ये है डाउनलोड करने का APK। एक रहता है जो 4+ रहता है, मतलब कि एंड्रॉयड 4+, और एक रहता है एंड्रॉयड 10+। ये एंड्रॉयड 10 से जुड़ता है, वो डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन का कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है, तो आप वैसे ही डाउनलोड करिएगा, नहीं तो वो लिख देगा एरर पैकेजिंग। ठीक है, तो यहाँ ओ भाई ये सब भी भाई थोड़ा थोड़ा ओरिजिनल टाइप का। ओ वहाँ पर एक टापू है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, आइलैंड, हार्ट आइलैंड की तरह है वो। चले चलते हैं वहाँ भाई, पानी में रिफ्लेक्शन देखिए भाई, यही तो है अल्ट्राजी, और क्या है अल्ट्राजी भाई। ओके भाई, अपडेट बहुत अच्छा लगा मुझे भाई, सनरेज देखिए वाटर में। ओहो हो, अबे ये क्या नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार। ओ भाई आइलैंड बहुत सुंदर है भाई, यहाँ पे एक स्विंग है और ये रहा वाटर बलून, इसे एक बार व्यू ले लेते हैं ऊपर से। मेरे ख्याल से अभी भी इसमें कुछ कुछ अपडेट्स चाहिए, जैसे कि आप ऊपर जाएंगे तो नीचे का जो ग्राफिक्स है वो ना, मतलब देखिए सारा प्लांट्स गायब हो जाएगा धीरे धीरे, 2D प्लांट्स बन जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपग्रेड अभी भी चाहिए बाय द वे। लेकिन अगर आप वही पानी को देखें तो भाई साहब पानी ही तो है जो अभी अट्रैक्ट कर रहा है बंदों को, क्या ही मतलब रिफ्लेक्शन दे रहा है, एकदम ओरिजिनल जैसा। हाँ बट यहाँ पे ओरिजिनल जैसा दे रहा है, बट हम जहाँ तक ट्राई किए हैं उसमें इरेंगल में, मैं दिखाऊंगा अभी इरेंगल में ट्राई किए हैं वहाँ कुछ इतना जितना अभी रिफ्लेक्शन आ रहा था उतना रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा था इरेंगल में, बट आ रहा था। अब मे बी बिकॉज उस समय सन का डायरेक्शन कहीं और होगा, मे बी। आप शेडो भी देख सकते हो, शेडोज को भी थोड़ा शार्प कर दिया गया है। वाह बंदा भाई इनविटेशन भेज देगा। ओ भाई देख सकते हैं भाई, एकदम क्रिस्टल जैसा चमक रहा है यार, ये मैं कह सकता हूँ कि पबजी ने कुछ किया है इस अपडेट में। अब और गेम को तो भाई लॉट मोर स्मूदर बना दिया गया है, बहुत स्मूथ। जिसके पास भी अगर लो एंड डिवाइस है वो अब पबजी एकदम स्मूथली खेल पाएंगे इस अपडेट के बाद। ओ मेरी ऐसा कॉपी बेचारे का पिंग बहुत आई है, पता मैं देखता हूँ कि गाड़ियों के टेक्सचर में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं, तो कुछ खास लग नहीं रहा, बट हाँ थोड़ा मोड़ा हुआ है, कह सकते हैं थोड़ा मोड़ा हुआ है अब जो ग्राफिक्स इम्प्रूव हुआ था भाई सब कुछ। तो चलिए बाहर चलते हैं अब। मैं अगर आपको दिखाऊं इनवाइट करके तो वही कि आप उन लोगों से खेल नहीं पाएंगे जिन लोगों ने अभी अपडेट नहीं किया है, क्योंकि हर बार की तरह यही होता है, आप उन लोगों के साथ नहीं खेल सकते जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया है। चलिए एक बार इरेंगल में सोलो मैच खेलते हैं, एक ऐसी मैच खेलेंगे, कोई सीरियसली नहीं खेलें, हो सकता है मर भी जाएँ तुरंत, कोई ये नहीं है, सिर्फ इतना। देखिए गाइस वहाँ एक सिंबल था जिससे पता चलता है कि आने वाला है हम लोग का इन्फेक्शन मोड बहुत ही जल्द। भाई मैंने इतने ट्रायल किए ना भाई, उतरते उतरते मारा हूँ सिर्फ देखने के लिए, जगह कि मैं एस से क्राउन वन में आ गया हूँ। चलिए तो क्लासिक मैच देख लेते हैं एक रैंकल,
ये हमारा स्पॉन आइलैंड। ओ भाई स्पॉन आइलैंड ग्राफिक्स तो ठीक हो गया है। इन्होंने ट्राई किया है कि ये पबजी पीसी जैसा ग्राफिक्स कर दे, बट थोड़ा थोड़ा ही हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, पूरा होना भी मुश्किल है भाई। वो ऐसे ही उसको फिर ग्राफिक्स कार्ड चाहिए रहता है, और ये भाई ऐसे ही फोन का इंटरनल ग्राफिक्स है। ओह जैसे आप प्लेन पर देख सकते हैं वो ग्रीन ग्रीन पैचेस लग चुके हैं जो कि बरसात के मौसम में लग जाते हैं, और 25 लिखा गया है प्लेन पर। अब जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आप पानी में अब आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, कुछ खास उतना अगर मैं पानी में झांक के देखूं मेरे रिफ्लेक्शन, अरे मैं तो गिर गया, एक मिनट भाई, अगर इन्होंने रिफ्लेक्शन को इतना अच्छा बनाया तो भाई मेरी रिफ्लेक्शन भी तो पानी में आनी चाहिए थी, पानी में मेरी रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही। वो सिर्फ पता है उस सीन पर आता है, वहाँ पर ही चेयर पार्क में ही सिर्फ उस वाटर बलून, मतलब वो बलून है हॉट एयर बलून, उसी का सिर्फ वहाँ पर आता है। तो चलिए आ गए हम लोग, अबे क्या ही ये लोग और पे नौटंकी करता है भाई। ये तो ऐसे कहीं भी उतर जाते हैं, और यहाँ पर उतर जाते हैं यहाँ गाड़ी मिलेगा मुझे। मैप देखिए भाई, मैप इतना ग्रीनरी लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही ग्रीन हो गया है, बहुत बहुत ही ग्रीन है। अगर आप एक बार ध्यान देखिए भाई कितना क्लीन भाई, यानी पेड़ नजर आ रहा है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ 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 पेड़, बस बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेड़ उगा दिए गए। ओह मैंने पैराशूट की स्किन नहीं लगाई है, अरे गाड़ी नहीं है क्या, ओह शिट लॉल हो गया मेरे साथ भाई, पता नहीं आया है बाइक है। ओ भाई बाइक के मिरर्स पे देखिए भाई, साइड मिरर्स पे देखिए क्या ही सन का रिफ्लेक्शन आ रहा है उसके ऊपर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बाइक और कैमरा के बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाया गया है, मुझे लग रहा है कि बढ़ाया गया है, कोई नहीं अगर बढ़ाया भी गया है नहीं बढ़ाया गया तो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई ग्राफिक देखिए भाई ऐसा था, ये वहाँ पे टूटी टूटी गाड़ियों को भी ऐड किया गया है, थोड़ा सा सेल्फ प्रोडक्शन के लिए कम इस घर में चले जाते हैं। फायरिंग वायरिंग चालू, स्कॉर्पियन मिली है मुझे, मैं क्या करूँगा स्कॉर्पियन का, सर कोई नहीं हम तो ऐसे भी घूमने हैं, मार भी देगा तो कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसके ऊपर एकदम अपने स्क्वाड के साथ मैच का वीडियो बनाएंगे, हम स्क्वाड के साथ हम लोग खेलेंगे इसी रैंगल 2.0 में, और आप लोग अच्छे से हर जगह का नज़रिया ले लीजिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि मैं ऐसे विदाउट वीडियो बनाए भी मैं एक बार गया हूँ पोचिंकी में, घर के ब्रिक्स नज़र आते हैं सिर्फ, कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं है, घर के ब्रिक्स नज़र आते हैं। और जॉर्जो पूल में ये जितना भी वेयर हाउस है ना, वेयर हाउस में चेंजेस लाया गया, बस आप कह सकते हैं वेयर हाउस में कंटेनर्स का कलर जो है वो थोड़ा लाइट हो गया, बहुत ज़्यादा लाइट लगेगा, जैसे आप क्या चीज़ें कह सकते हैं स्टैंडर्ड पे खेल रहे हैं वैसा लगेगा, जैसे अभी कलरफुल पे खेलते हैं ना, क्लासिक जिसको कहते हैं आप, क्लासिक इसमें क्लासिक होगा तो वही क्लासिक पे लगेगा जैसे खेल रहे हैं, कलरफुल में वैसा लगना। ऐसे ये बैकपैक आपको मिलेगा जब आप लॉगिन करेंगे ना, तो फ्री भेज के जाते बैकपैक मिलेगा, अच्छा बैकपैक है मुझे तो अच्छा लगा। पड़ी 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 कुछ कर भी नहीं सकता भाई, हाथ में सिर्फ स्कॉर्पियन ही है, सिर्फ स्कॉर्पियन घूम सकता हूँ, सिर्फ मैंने ऐसा सुना है कि पबजी में गन की जो मतलब जो कॉम्पेंसेशन होती है उसको बढ़ा दिया गया है, बहुत ज़्यादा ही रिकॉइल लिया गया है खास करके बर्स्ट गन में,
ओ भाई व्हाट, क्या ही भाई मस्त फ्रेम भाई। ये तो भाई एस का है। व्यू देखिए भाई, सामने का व्यू कितना अच्छा था। हो भाई बीच वाला व्यू आ रहा है। अरे भाई, ओ भाई ये क्या, ये कॉम्पनसेशन में ऐसा क्या हो गया भाई? मैंने सामने टारगेट लिया था और वो अचानक से नीचे हो गया। लगता है इस वर्जन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? इतना नीचे तो नहीं आना चाहिए था। ये बंदा उसी घर में, और मेरे पास है अभी तो M16A4, मारने के चांसेस। अरे स्मोक कर दिया इसने, देखा मुझे वो, देखा गाइस आपने, देखा देखा कितना कॉम्पनसेट कर रहा है भाई बहुत। अरे नेट गिर दिया यार, वक्त गया। अरे ये भी गया। कोई नहीं, ये सिर्फ एक ट्रायल मैच था। हम ऐसे भी इसमें गोल्ड 5 पे हैं भाई, क्या ही मतलब है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है भाई ये। भाई भाई एनिमेशन देखा भाई, फ्रेंड्स के आने का एनिमेशन भाई। और आप इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप इसके अंदर ना कुछ मतलब अपने टीममेट्स को एक टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैं इस बंदे को देता हूँ स्काउट लाइट, अच्छा खेलता है इसलिए नाम दे दे रहा हूँ स्काउट लाइट। अब आप देखिए उस बंदे के नाम के बगल में स्काउट लाइट लिखा रहा है। मैंने एक नीचे भी डाला है, एक नूबड़ा दिखाई दे रहा है वो भी है। अब इसे चेंज भी कर सकते हैं बट मेरे ख्याल से इसे हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने हटाया, हटाने का बहुत ट्राई किया था बट हटा नहीं, हट नहीं सकता गाइस। अब एक बार दे दिया तो दे दिया, एक बार जबान दे दी तो जबान दे दी। आप देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे प्लेयर को रिजर्वेशन भेजिएगा जिसके पास अभी का वर्जन नहीं है तो वो डिक्लाइन हो जाएगा भाई। आप नीचे करते हुए भी जो एनिमेशन देख सकते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। सीजन में आते हैं कुछ चेंजेस है, हाँ चेंजेस तो हैं पीछे बहुत ज़्यादा ही सीरियल वाइज कर भाई। ये COD का ना कॉपी कर रहा है धीरे धीरे, ये गेम ये COD का कॉपी कर रहा है। हाँ चलिए तो इधर है। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो आप व्हीकल का स्किन जो आपके पास है वो लगा सकते हैं, गन का लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं टायर किस पे, ये मैं इसे स्टार 3 पे था इस सीज़न में, मैंने खेलना छोड़ दिया। मैं COD खेल रहा हूँ अभी और वही खेलूँगा अभी। COD का भी मैंने बहुत सारे वीडियो पोस्ट किया, अगर आपको देखना है तो आगे देख सकते हैं। स्मूथ पे मैं 90 FPS पे रख के अगर आपको दिखाऊँ मूवमेंट, ये देखिए मूवमेंट। अरे क्या हो गया, अबे इधर हो यार। यहाँ पे आप शॉप से देख सकते हैं, शॉप था वहाँ पे, आप मतलब डायरेक्ट स्वाइप करके आप शॉप को भी ये कर सकते हैं और अपना जो भी है अचीवमेंट्स आप उसको वहाँ पे लगा सकते हैं लेफ्ट स्वाइप करके। ओ भाई आप ये भी देख सकते हैं, इसका भी एनिमेशन बहुत अच्छा हो गया, बदल चुका है ये। अब मैं वो नए नए फीचर्स दिखाऊं तो इरेंगल में यही सब आ रखे हैं कि कहीं कहीं टैंक पड़ा हुआ मिलेगा। ये तो वाटर भाई, मैंने कहा ना वाटर को ही इन्होंने अपग्रेड किया है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये आप देख सकते हैं ये कहीं कहीं ऐड हुआ ये सब, फिर ये तो मैंने आपको दिखाया ही। और ये स्विंग जो वहीं पर था स्पॉन, स्पॉन बोल रहा हूँ वहाँ पे था, चेयर पार्क में आइलैंड था हार्ट आइलैंड, ये शॉटगन नहीं आई है। और ये आपको मिलेगा जब आप एक बार से अपडेट करेंगे तो। सेटिंग्स में आए तो अगर मैं अल्ट्रा HD पे, अल्ट्रा पे रखूँ तो वैसे देखने में अच्छा लगता है अल्ट्रा HD। और मैं एक बार पैरो सूट को अल्ट्रा HD में देखना चाहूँगा, और फारो सूट चाहता हूँ। मैंने तो पहले से बहुत सारा ऑप्टेन करके रखा हुआ है, मतलब सूट तो मैं ऑप्टेन नहीं कर पाया, मैंने यूसीज लगाए थे बट मैं ऑप्टेन नहीं कर पाया तो। बट मेरे पास इमोट्स हैं। यहाँ पे अच्छा भी नहीं है भाई, हेलमेट आ रहा है यहाँ से, नहीं मैं वहाँ से करता हूँ। वर्कशॉप से करके देखता हूँ, वर्कशॉप में क्लियर भी सुनाएगा। हाँ ये ठीक है। ओहो हो भाई, काश मुझे मिल जाता भाई,
बंदों को तो भाई पहले 10 में ही मिल जा रहा था, मुझे नहीं मिला भाई। मैंने कितने किए थे, 10 मैंने किए थे, 10 10 यानी 100 बार किए थे मैंने, मतलब 100 ओपन किए थे, 10 10 करके 10 बार। फाइनल फॉर्म भी आप देख सकते हो उसका, बहुत सही था भाई। तो चलिए गाइस, बाय बाय, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इरेंगल 2.0 यही है और अपडेट 1.0 में यही सब है, ये कोई बेटा वर्जन नहीं है, यही ओरिजिनल वर्जन है जो मैं अपडेट आपको दिखा रहा हूँ।